जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं उन्होंने भेजा था सो कॉल, उनको उन्होंने जवाब दिया है। अब वो बताएंगे आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कि उनके जवाब को उन्होंने देखा, इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या होगा, ये सारे चीज़ राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, ये पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व देख रहा है। आशीर्वाद झोली भर कर राष्ट्रीय जनता दल को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी को मिला है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि झांसे में जुमले में जनता फंसी थी उसको बाहर कर दिया बीजेपी को, और समाजवादी सरकार आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी हैं, ये जनता की भलाई के लिए तो कह दिया कि जिसके जाल में कोई फंस रहे हैं बीजेपी के जाल में वो ना फंसे, हम कहेंगे। अच्छा। बिहार की जनता ने तो उस फांस से बाहर अपने को निकाल लिया है। अच्छा। बीजेपी के झांसे से और जुमले से। सुधाकर सिंह बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं या नहीं फंस? भाई हम कह रहे हैं ये मामला हमारा ना है, ये सारा नेतृत्व का विषय है, इसमें हमें कुछ आप लोग को इसमें बोलने पे अच्छा ये बताइए, जब हमारा विषय है नहीं तो फिर हम बेवजह का प्रतिक्रिया क्यों दें? लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जिस तरह से वह बयान दे रहे थे उसके बाद वो घेरे में आए और फिर आरजेडी के तरफ से उन्हें एक नोटिस भेजा जाता है कि 15 दिनों के अंदर आप कारण बताइए कि आखिर इस तरह से आप बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और आप मुख्यमंत्री को घेरते नजर हमेशा आते हैं, तो आखिर इसका कारण आप बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि उसी के जवाब में सुधाकर सिंह ने एक 5 पन्नों का जवाब भेजा। दरअसल 5 पन्नों का जवाब में से पहला जो जवाब है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें उन्होंने साफ तौर में आरजेडी को वो घेरते नजर आ रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि जब यही नीतीश कुमार आरजेडी के नेत्री महिला जो नेता जो होती है, जो नेत्री होती है, उन्हें जब दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था उस समय यह आरजेडी कहाँ थी और आज मुख्यमंत्री के तरफ से इतना वो लोग पक्ष में बोल रहे हैं, और मैं तो वही कर रहा हूँ जो शुरू से मुझे जो गलत लग रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मैं आरजेडी आई हूँ, क्योंकि आरजेडी के जो लोग हैं जब भी सुधाकर सिंह का नाम लिया जाता है उनके ऊपर बयान जब मैं लेने आती हूँ तो वो लोग बयान देते नजर नहीं आते, बयान नहीं देते हैं और भागने लगते हैं कैमरा देखते ही। आपने देखा ही था कि मृत्युंजय तिवारी किस तरह से जब मैं उनसे सवाल की थी तो वह भागते नजर आ रहे थे, और आज मैं फिर से आरजेडी कार्यालय पहुंची हूं और फिर से मैं इस पर बयान लेने की कोशिश कर रही हूं। तो सुधाकर सिंह का जो जवाब आया है उधर से, 15 दिन का जो उनको टाइम दिया गया था, जवाब जो आया है उसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं, उसमें फर्स्ट पेज में ही लिखते ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वो दिन क्या भूल गए आरजेडी के जब नेत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। देखिए ये सारे मामले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने सो कॉज नोटिस भेजा, इसका जवाब उन्होंने दे दिया, और आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, तो इस पर हमारी प्रतिक्रिया का कोई मायने मतलब नहीं। क्या प्रतिक्रिया क्या मिली है इधर से, क्या मतलब जैसे उनका जवाब आया था इधर से क्या मिला? ये माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ही बताएंगे, उन्होंने ही सो कॉज दिया था, उनके हस्ताक्षर से सो कॉज दिया गया था, तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, ये हमारा विषय नहीं। वो बयान जब देते हैं तो पूरा मीडिया के सामने हर चीज़ बाहरी, एक मिनट बाहरी आता है और फिर नोटिस भी भेजा जाता है, और अब कह रहे हैं कि सारा कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, आखिर मालूम क्या रहेगा कि आखिर क्या हुआ क्या? मैंने हुआ क्या नहीं किया, सो कॉज पार्टी ने उनको भेजा, उन्होंने इसका जवाब दे दिया, 15 दिन के अंदर जवाब मांगा, जवाब दे दिया, जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं उन्होंने भेजा था सो कॉज, उनको उन्होंने जवाब दिया है। अब वो बताएंगे आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कि उनके जवाब को उन्होंने देखा, इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या होगा, ये सारे चीज़ राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, ये पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व देख रहा है। मतलब आप लोग को नहीं मालूम है?
हमको इसकी कोई जानकारी नहीं। चलिए एक सवाल और है, जिस तरह से सुधाकर सिंह आप लोगों को घेरते नजर आ रहे हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा भी आरजेडी को घेरते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को समझा रहे हैं कि भाई आरजेडी के जड़ में जा ना जाए। देखिए समाजवादियों की सरकार बनी है और समाजवादी अंश भी और वंश भी है, ये बात हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा में कही थी। ये हमारे जो भी लोग कुछ भी कह लें, लेकिन जो जनता है लोकतंत्र में वो सत्ता देती है और जनता ही सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाती है। तो जनता का आशीर्वाद झोली भर कर राष्ट्रीय जनता दल को हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी को मिला है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो हम जनता का भरोसा और विश्वास हमारे नेता ने हमारी पार्टी ने जीता है और हम लोगों ने जिसके उलझन में जिसके झांसे में जुमले में जनता फंसी थी उसको बाहर कर दिया बीजेपी को और समाजवादी सरकार आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी हैं, ये जनता की भलाई के लिए। बाकी लोग अगर कुछ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू का मामला है, जेडीयू का नेतृत्व इन सब चीजों को देख रहा है। मामला जेडीयू का है लेकिन टारगेट तो किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनके जड़ में ना फंसे। हमने तो कह दिया कि जिसके जाल में कोई फंस रहे हैं बीजेपी के जाल में वो ना फंसे, हम कहेंगे। अच्छा। बिहार की जनता ने तो उस फांस से बाहर अपने को निकाल लिया है। अच्छा। बीजेपी के झांसे से और जुमले से, इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में पूरी मजबूती के साथ आए हैं और मजबूती के साथ यह सरकार काम कर रही है। सुधाकर सिंह बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं या नहीं फंस? भाई हम कह रहे हैं ये मामला हमारा ना है, ये सारा नेतृत्व का विषय है, इसमें हमें कुछ आप लोग को इस पे बोलने पे अच्छा ये बताइए, जब हमारा विषय है नहीं तो फिर हम बेवजह का प्रतिक्रिया क्यों दें? अच्छा ठीक है। चले तो मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और यही मृत्युंजय तिवारी जी उस समय भी जब उनसे हम ये सवाल किए थे सुधाकर सिंह के बयान पर, जब हम उनसे सवाल करने आए थे तो वो भागते नजर आए थे, आपने देखा ही था कि यानी कि साफ तौर पे ये कहा जा सकता है क्योंकि खुलकर ये बता नहीं रहे हैं कि आखिर अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का जवाब इधर से क्या गया, क्योंकि इन लोगों का पार्टी का मामला है लेकिन जानकारी तो होगी लेकिन बता नहीं रहे, यानी कि इन लोगों पर दबाव जरूर डाला जा रहा है कि आपको सुधाकर सिंह के ऊपर कुछ भी इस तरह की कुछ भी प्रतिक्रियाएँ नहीं देनी है, कुछ भी नहीं बताना है। इसलिए आपने देखा ही कि कैसे ये खुलकर सारी बातों को चाहत रहे, सारी बातों को नहीं बता रहे हैं। चलिए अभी के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।